हेलो एवरीवन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर भी रह चुका है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पायरोल। तो देखो, पहले तो पूछा है उसने कि क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उस मैकेनिज्म को बताना है जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पायरोल हो। तो देख लेते हैं, द साइक्लिक कंपाउंड्स विच इन एडिशन टू कार्बन कंटेन एटलीस्ट वन एनदर एटम, जिसको हम हेट्रो एटम भी कहेंगे, इन देयर रिंग्स। यानी रिंग्स में क्या होना चाहिए कि कार्बन के अलावा कोई ऐसा हेट्रो एटम होना चाहिए, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। हेट्रो एटम कैन बी, मे भी हो सकते हैं हमारे, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और सल्फर हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बता सकते हैं। जैसे फाइव और सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड क्या होते हैं, तो पायरोल देखो फाइव मेंबर्ड कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फ्यूरॉन हमारा जो है फाइव मेंबर्ड कंपाउंड है, थायोफिन हमारा फाइव मेंबर्ड कंपाउंड है, और वहीं बात कर ले हम पिरिडीन की तो सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड है। तो ये मैंने लिख रखा है। फिर द स्टेबल हेट्रोसाइकल्स आर दोस कंटेनिंग फाइव और सिक्स एटम इन द रिंग। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर हेट्रो एटम्स, द हेट्रोसाइकल्स मे बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनिंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर हेट्रो एटम इन देयर रिंग। तो ये फोटो आप दोबारा बना लेना अगर बनाने की इच्छा हो तो। फिर तीसरा टाइप है कंडेंस रिंग हेट्रोसाइक्लिक। कंडेंस रिंग हेट्रोसाइक्लिक मतलब दो रिंगें आपस में फ्यूज हो, मतलब कंडेंस हो, जुड़ी हुई हो। तो जैसे कि इंडोल, जिसका दूसरा नाम है 2,3 बेंजो पायरोल, ठीक है, ये इंडोल का फोटो है। क्विनोलिन क्या होता है हमारा, 2,3 बेंजो पायरिडीन, ये क्विनोलिन का फोटो है। उसके बाद आइसोक्विनोलाइन क्या होता है हमारा, 3,4 बेंजो पायरिडीन, ये आइसोक्विनोलाइन का फोटो है। अब जो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म जो बतानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पायरोल की, वो चल देखते हैं। तो पायरोल की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पायरोल बनता कैसे है, मतलब वो तो हमने पढ़ लिया है प्रिपरेशन ऑफ पायरोल तो पिछले वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पायरोल की। तो पायरोल की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसमें दो होता है, एक तो तीसरी पोजीशन पे होता है और दूसरी पोजीशन पे। तो कौन सा स्टेबल होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पायरोल का आपको फोटो मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है कि क्या होता है, C4H5N, ये उसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बनाते हैं और इसमें मैकेनिज्म देखते हैं। तो इस पे जब थ्री पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो फाइल मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कभी तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग। लविंग कौन होगा, जिसके पास उसकी कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है अगर तीसरी पोजीशन पे अटैक करे, मान लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ हो, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए तभी तो ये अटैक कर सकता है। क्योंकि जब जिसके पास मान लो खुद ही गरीब है तो उसके पास इलेक्ट्रोफाइल क्यों करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है साइमल्टेनियसली, ये साइमल्टेनियसली होता है। तो जहाँ एरो के हेड पर, याद रखना एरो के हेड पे जो है यानी उधर पे हमेशा नेगेटिव चार्ज और टेल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अब आगे इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा देख लो, मैं साथ साथ बनाते जा रहा हूँ। CH, अब इस पे जो है इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था तो ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा खोल के बना लेते हैं। तो ये बन गया HE, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि ऊपर चला गया, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, और ये हो जाएगा CH, और ये नाइट्रोजन तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा हमारा इस वाले में कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन के चार बॉन्ड हो जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। वैसे भी आना था और साथ में इस वजह से भी आना था क्योंकि एरो के हेड और टेल वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये क्या है, CH और E, इधर दिखा देता हूँ लो क्यों बार काट क्या करना है, CH और यहाँ से N और डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा अगले स्टेप में कि ये H का रिमूवल होगा, इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, E और H। देखो तीसरा स्ट्रक्चर ध्यान समझना कि ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है, अपने मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक, और ये वाला स्ट्रक्चर मैं जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा,
और इसका जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या आएगा, वो इस तरह से आएगा CH C E डबल बॉन्ड। अब ये वाला जब यहाँ पे आया है तो इधर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH। अब ये वाले नाइट्रोजन ने इधर पर वापस बॉन्ड ले लिया है तो CH इधर पर आ जाएगा N लोन पेयर और ये H। तो देखो ये बन गया हमारा 3 पोजीशन पे। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को देखना कि यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Only 2 resonance intermediate। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करके देखेंगे 2nd पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट 2 पोजीशन। अब जब 2nd पोजीशन पे अटैक होगा तो ये ऐसे जब यहाँ पे आएगा तो उससे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, तभी तो इधर पे चार्ज ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखना ऐसे बनेगा, इधर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, इधर रहेगा नाइट्रोजन, उसके ऊपर लोन पेयर और H, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड CH, और इधर पे एक इलेक्ट्रोफाइल भी आ जाएगा ऐसे, ये H और ये ऐसे। अब क्या होगा कि ये वाला लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, तो इसका कैसे बनेगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, CH प्लस डबल बॉन्ड, और साथ में क्या कहते हैं, सॉरी पहले ये वाला रेजोनेंस नहीं आएगा, ये वाला आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव सिंगल डबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इसके पास, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये सी ई एच, तो एच इट इज रहेगा, और उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर और एच। अब क्या होगा साथ में कि ये वाला जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, ठीक है, तो ये रेजोनेंस को तो डबल इनवर्टेड ना डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस स्टेप में थोड़ा अच्छा चीज़ होने वाली है कि ये जो एच है ना ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को लेके ऐसे चले जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो ना मतलब सिंगल बॉन्ड है, ये वाले जो इधर के इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे यहाँ पे, जो इसके इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ गए, और ये वाला जो है यहाँ आएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड फिर से कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर में। तो जो स्ट्रक्चर फाइनल बन के आएगी ना वो हमारे पास ये आएगी। तो ये फेवर्ड प्रोडक्ट हो गया, फेवर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ कितने रेजोनेंस देखने को मिले आपको, पिछले में तो आपको 2 दिखे थे, यहाँ आपको देखने को मिले 3, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर या इंटरमीडिएट। तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये वाला जो हो जाएगा ना वो लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी एक थ्योरी बोल देता हूँ आपको मैं, इतना तो मैं लिखता हूँ कि पायरोल अंडरगोस सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एट 2 पोजीशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट 3 पोजीशन इन पायरोल शोन ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब 3 पोजीशन पे अटैक होगा तो सिर्फ कितने स्ट्रक्चर शो कर रहा है, वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्टली अटैक एट 2 पोजीशन। जब 2 पोजीशन पे होगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सो द इंटरमीडिएट प्रोड्यूस बाय द अटैक एट 2 पोजीशन इज मोर स्टेबल। दिस इज द रीजन द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अकर एट 2 पोजीशन रेदर देन 3 पोजीशन। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि पायरोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी अगले टॉपिक पे। थैंक यू।